वही जिक्र कि जीवन के चार ही मूल्य हैं। अड़ाए थे भाई नगन उगाड़े आए थे जांगे उगाड़े जांगे माया मिली सब अड़ाए पाछ अरिया मिली सब अड़ा बर्तन खाते रे इसने बर्तो भाई इसका कुंडली मुंडली मार के ना बैठो इसको संचय करके रखना रोक लेना पाप है कमाना पाप नहीं है कमाओ बर्तो ये अड़ाए पाछ मिले सर अड़े छोड़ के जानी है ये जन्म से मृत्यु के सफर के बीच की ये आपको बर्तने के लिए मिली है पर भाई कोने बस की एक आध गए भगवान देवी दे है किसे गया माया से छोरी के रूप में किसे गया बहू के रूप में जिसका छोरी के रूप में हो कट्ठी करके धर लेगा होगी रुखाड़ रुखाड़ कर सके हो गए बाग में कोने बर्तनी धोती पाटिए रहेगी उसके बाग में सुख नहीं है एक आध मलंग अपनी भी बरदे है दूसरे की वो खखाट ठा दे वो बरदे है हंड आए मेरे भी ले गया हंड जा ये धरती तो एक दिन जाना है वो अपना कर जा था काम गणे ब्याज पर दे दे उनके उम्र ज्या है वो ब्याज के लोभ में धकाए जा आप करड़ करड़ मरिए जा है वो दूसरा उससे के रुपये तो वो रंग ले रहा है वो बूढ़ा था ब्याज का शौकीन वो से ले गया था ब्याज लेने तो मंजिली हल्ली पाई बूढ़ा छानी मर रहे अरे संतरी पाया निबला रमना और रामलाल तो मिलना से निबला डटे पर बूझ गाऊंगा सेठ ते बूढ़ा नहीं सोचेगी बेटी सेठ से वो भीतर बड़ा वो तो कूलर चालता पा धोली चादर पे श्री होने बोलिया जी वो आ रहा था बलबीर गोठड़ेगा वो बोले मिलन ब्या उसने लिया वो पट्टन लिया बोले उसे के दिए दिन से मार दो रखी था उसका जोखिम से अरे भीतर जागूंगे ठाठ देख के बूढ़े का बहम हो गया दे रुपया तेरा बहम हो गया निवले आज आज ब्याज गिनो भाई चाह बनाओ निवले चाह न अभी भूख दे ब्याज ने भूख दे उल्टा बाज के पहले उन छोर में अपना जिसम रहे था नहीं छाने में पहले अपनी छाने में आग लाई ते मंजली हल्ली काट दूंगा जोश जोश में फूख तो दी फिर वो असलियत आएगी बैठ के रोन लग गया हकी बेटी का छान भी पूड़े भी कई क्या होंगे बाबा आगे निबला के बात निबला निन्नू देख के मेरा जी कर गया निबला तेरे बस का कोन्या तेरे बाग में नहीं सब ने पूड़े काट ले तेरा रुखाड़ रुखाड़ करनी बाग में से बर्तना नहीं से एक आध घन्ना भी हो भाई ना तो चार ही मूल्य है अरे रूप हुसन और काया माया अरे दो दिन रोब जवानी का देखिए बैठे गिरदा लारिया साला नंदा तारा दे ये बैठे इन नवी कदे देखनी आए थे ये दौड़े शर के पैदा ना हुए थे अपनी माँ तो ये इवियो देख अगले अगले दो दांत तोड़ा रहे योगे हाथियां गली बैठा था या कोई समय आवे है नहीं या फटफेट मारे है पीपा हम कर दे है दौड़ी टाइट कर दे है या जो इतनो मन नो मन बद दस इतना न्यू छोड़ा रहे है या नो मन नो मन न्यू घटती भी आ जाए घना धन्ना है कम में भी जिसका जितना तावड़ा समझ में आ जाओ फादियम रह जा है अरनानी ने समझना से दो जन्म ला लियो से सो ला लियो अरे आज समझ लियो अर्य रूप हुसन और काया माया रूप हुसन और काया माया अर्य दो दिन रोब जवानी का जाग तपस्या दान भजन बन मोल नहीं जिंदगानी रूप हुसन और काया माया दो दिन रोब जवानी जाग तपस्या दान भजन बन रूप हुसन और काया जवानी तपस्या दान भजन बोल नहीं जिंदगानी का रूप हुसन काया माया दो दिन रूप जवानी का त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का ये चार काम है करने के त्याग की सदाई पूजा होती है चाहे 50,000 का सूट पहन रहा हो कोट पेंट पहन रहा हो और आगे तो लंगोटी वाला फकीर आ गया तो 50,000 वाला झुकेगा वो लंगोटी वाले के पाया में क्यों क्योंकि उसने तो भोग किया है 50,000 का और उसने त्याग किया है वस्त्रों का वो उसके सरनाम झुकेगा त्याग की ही पूजा है त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का
पहली कली में दिखाया है जब बच्चे का जन्म हो तो पहला त्याग है एक माँ का। वह बेचारी आप पाल्य में सोगी ना सुख्य में सोवाओगी खेत में का देगी है मेरा छोरा भूखा होगा ये टाइम हो गया ये। पहला त्याग एक माँ अपने सुख का करती है, फिर दूसरा त्याग परिवार करता है अपने लाड प्यार का। और जिसका माँ बाबू गे हड़ा ले गए जेड़ी ले गए स्कूल में मास्टर के खड़े रहे उनके खराब भी हो गए। जो मास्टर के डंडे नहीं पिटन देता है उसके बड़का ने पुलिस के डंडे सुधार जवान हो लिए हैं। जब जो मास्टर के डंडे नहीं लागण देता नहीं अपने बड़का गए उनके बड़का ने फिर पुलिस के डंडे सुधार गए। फिर परिवार का त्याग बने से फिर उस बालक का खुद का त्याग बने से हर न्यू कहे गुरु का भी त्याग बने से गुरु ने भी अपना धर्म ने माना पड़े से। वे स्कूल में जो मास्टर जब बूंदा लाग गया करता पढ़ा करता आज उसकी कदर से न्यू कहेंगे भाई वो मेहनती था पढ़ा करता। और जो चुटकले सुनया करता और सुनाया करता उसने दे थैली में काट के न्यू गुरु जी बीड़ी मेरी मेरी लाऊं तू भी पीऊगा दो कट्ठी ला दी मेरी मेरी लाऊं। वे जो जब चुटकले का अर्थ है उनकी इतनी कदर रह गया है ठीक है गली गली क्या बताया जन रेन चैन सुख माता के जन रेन चैन सुख माता के जब ममता का मोल बढ़े परिवार तजे तो शिक्षा का माहौल बने आलस निद्रा शिष्य तजे तो गुरु के मीठे बोल बने दीपक बन गुरु करे रोशनी उनका नहीं मखोल बने दीपक बन गुरु करे रोशनी उनका नहीं मखोल बने ग्रंथ में पितर धरले ज्ञान ग्रंथ में पितर धरले पता के फायदा भी दवानी का तपस्या दान भजन में बोल नहीं जगा रूप हुसन और काया पाया बोल रूप जवानी का तपस्या दान भजन में बोल नहीं जगा ला 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 जो भी चीज चमकती हुई दिखाई देती है चाहे आदमी है चाहे कोई चीज है जो भी चमकता हुआ दिखाई देता है नुलाले उसका उसके पीछे बहुत सारा तप जमा है। तप के बगैर चमक नहीं आओगी क्या है मभी चाहे मानस हो चाहे धातु हो कवि कहे महल चढ़ाया जा मटका तपके बर्तन बन जा ठंडा नीर पिलाया जा सोना बीजे नहीं तपे गड़ में नहीं सजाया जा अरे ऋषि महात्मा पद मिल जा जयो मानव शरीर तपाया जा ऋषि महात्मा अरे दसमा द्वारा खुल के मिट जा दसमा द्वारा खुल के मिट जा यो भय और भरम न दानी का दान भजन बोल नहीं तेरा रूप हुसन और काया पाया दान भजन बोल साथी तेरे ना एक दिल जीवन कर जाएंगे जीवन कर जाएंगे।
साथी तेरे नाम जीवन कर जाएंगे साथी तेरे ना जीवन कर जाएंगे जीवन कर जाएंगे। मैं राणा गांव से विष्णु अंकल जी 100 रुपए का इनाम और दिया, बार बार प्रणाम धन्यवाद। मिंटू पहलवान जी भाई हमारे साथी, मैं राणा गांव से 100 रुपए का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद। त्रिवेणी धाम गौशाला खोरड़ा से हमारे लिए सम्मानित आदरणीय गुरुमूर्ति बाबा सतगुरुदास जी 100 रुपए का इनाम आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सत्संग परिवार के साथी भाई सुनील फौजी साहब नरसिंहवास गांव के रहने वाले, 100 रुपए का इनाम पार्टी के नाम, 100 रुपए का स्पेशल इनाम मास्टर जी नवीन पेटी मास्टर जी के नाम, और 100 रुपए का स्पेशल इनाम भाई विवेक के नाम, हरिओम यूट्यूब रागनी चैनल जो आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे, 100 रुपए का स्पेशल सम्मान भाई विवेक के नाम, बार बार धन्यवाद। काकू काकू जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। दान करे तभी के मन के मिल है सह तो बावली बात, दिए तो दान करे तभी मिल है, पर वो के मिले है वो उसने बेरा से जो दान करना जाने है, दूसरे ना बेरा वो करे तब उस गुदगदी का उस ऊर्जा का उसने बोला दान तो वो करेंगे जिन घर होते आए जिन न करण की वाणी संगी गागने। दान के विषय में तीसरी कली में कवि कह सके गए है शास्त्र में 3 गति लिखी है धन की, किसी का धन हो पहली गति जो उत्तम गति लिखी है इसका दान करे ये उत्तम गति है, दूसरी गति किसी के धन हो और दान करना बस का ना हो वो जरूरी नहीं, तो दूसरी गति जो मध्यम गति कहलाती है इस धन का भोग करो इससे ऐशो आराम लो इन बरतो। अति कंजूसी से कमाया हुआ धन जो ना दान करते ना भोग करते, अति कंजूसी से कमाया धन उसकी तीसरी गति लिखी है वह है नाश, वो आप हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हरी भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील, वो अपने आप से घाटो लेगा डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारी बताओगा 5 लाख जमा कराओगा फिर आगे बात दान के विषय में। करे ते मान बढ़े दान करे ते मान बढ़े धन की इज्जत बनी रहे, दान करे जा दसवां हिस्सा घर में बरकत घनी रहे, कुए प्याऊ धर्मशाला चण दजा नगर कितनी रहे, दान पुन बन नहीं शांति करवासे मठनी रहे, दान पुनर्जन्म नहीं ओ करवासे मठनी रहे, मुंजी जिंदा मरे बराबर, मुंजी जिंदा मरे बराबर, मुंजी जिंदा मरे बराबर, मुंजी जिंदा मरे बराबर, अरे जकर चलिया कर दानी का तपस्या दान बदले बोल नहीं जिंदगा रूप उसने और काया मेरा बदले वो जवानी का तपस्या दान बदले बोल नहीं जिंदगा नीता।
यहाँ गांव से आदरणीय अंकल जी विष्णु दत्त जी 100 रुपए का इनाम और दिया, काफी नाम पहले, बार बार प्रणाम धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी जयप्रकाश जी मराना गांव से 100 रुपए का आशीर्वाद और दिया, बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। सास की डोरी मन का बढ़िया सास की डोरी सच के ठीक करावेगा, आवागमन छूट जा उसकी जो ओम हरि गुण गावेगा, सतगुरु जी की तेल करे ते परम पति पद पावेगा, सतबीर सिंह ने राम जान के सुखबीर सिंह गुण गावेगा, सुखबीर सिंह राम जान के सुखबीर सिंह गुण गावेगा, खाली पिंजरा पड़या रहेगा और खाली पिंजरा पड़या रहेगा, ना चल पता सलामी का तपस्या दान बदन रे बोल रही जिंदगा उसने उड़काया सरपंच साहब मराना गांव के मुखिया 500 रुपए का इनाम मान सम्मान उपलब्ध जारी करते हैं, सरपंच साहब को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद।